कि अगर मेरे भाई की नमाज खराब हो गई, कच्ची हो गई, पक्की हो गई, मैं भाई इस बात की जमानत लेता हूँ? भाई कोई लेगा नहीं। कोई बाप कहता है कि अगर बेटे ने पढ़ी नहीं पढ़ी है, पढ़ी तो कम पढ़ी, और पढ़ी कैसे भी पढ़ी उसकी मैं जमानत लेता हूँ? जहां बाप थक जाए, बेटे साथ न दे, बीवी घर से चली जाए, पहले दुपट्टा उठ के माफी मांग ले, ये दुनिया के रिश्ते हैं। लेकिन जहां आपके रूह और नमाजों की जिम्मेदारी ले ले, वो मुस्तहिद होता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इन ढोंगियों और बहरूपियों के चक्कर में ना आए, इसलिए कि ये बीमार रूह है। अंधेरा हमेशा चाहता है कि लाइट ना रहे। जो सिर्फ दिन में नहीं निकल सकता, चूंकि सूरज की रोशनी उसे तकलीफ देती है। आप समझ गए? इंग्लिश में बैट कहते हैं, इंग्लिश में बैट बैट। अगर आप जान गए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे उर्दू बोलने के लिए। परिंदे की खासियत ये होती है कि दिन में नहीं निकलता है, राइट? रात में इसलिए निकलता है कि रात में सूरज डूब जाता है, फिर आपके सहयोग का इम्तिहान है। दिन में इसलिए नहीं निकलता है कि सूरज की रोशनी उसे बहुत अजियत करती है, वो देख नहीं सकता। दिन भर वो किसी दरख्त पे लटका होता है, उल्टा दिन भर लटका होता है, जैसे अंधेरा छाने लगता है, फिर आप उठते हुए देखते हैं इस पेड़ पर, उस पेड़ पर, यहाँ और वहां और वहां। ये सारे लोगों ने बस एक नतीजा निकालना चाहते, सारे चमगादड़ों ने, जो मतलब तुम लोग अपने इलाके में कहते हो तो दिल को दोहरा, तेज ना बोलना। इन्होंने जब मुसलसल देखा कि ये सूरज निकला रहता है, सूरज निकला रहता है, बहुत अजियत देता है, बहुत अजियत देता है, बहुत अजियत देता है, सारे लोगों ने एक संगठन किया, एक मीटिंग की, एक इज्तिमा किया कि ये सूरज जो है, ये सूरज बहुत अजियत देता है, ये निकला रहता है तो शिकार नहीं कर पाते। क्या कहने क्या कहने, ये निकला रहता है तो हम शिकार नहीं कर पाते, तो क्या किया जाए? एक ने मशवरा दिया कि सूरज को नोच लें। आप मिलाइए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक ने मशवरा ये दिया कि सूरज को नोच लें, कहा देख तो पाते नहीं, नोचेगा कौन? देख तो पाते नहीं, कहा नोचेगा कौन? आखिर सबने मजबूर होके ये कहा कि ठीक है, जब नोच नहीं सकते हैं तो ऐसा करते हैं, अपनी आंखें बंद किए लेते हैं। नतीजा निकालो, लिहाजा अपनी आंखें बंद के लेते हैं। कुछ गुमराह नुमा नौजवानों ने सोचा इस मर्चा को मार दिया जाए। कुछ लोगों ने सोचा इस मुश्तहिद को मार दिया जाए। कहा ये जब देख नहीं सकते तो मार कैसे करते, का तकलीद ही नहीं करेंगे। इसलिए कि जब तक ये निकला है ये हमें कुछ करने नहीं देगा, ये कहेगा ये हराम है, ये हलाल है, ये हराम है, ये हलाल है, ये करो, ये करो, ये करो। ये वो मॉडर्न ईसाई और यहूदी मिजाज है जो दीन पर रहना भी चाहते हैं, दीन से दूर भी रहना चाहते हैं। मर्जियत की हिफाजत आपके जिम्मे है। और एक जुमला मैंने कहा था वाकई के पस मंजर में के अल्लामा मजलिसी के बैग और पुश्त पे आए हुए तीर को मुड़ के जब देखा था तो हबीब ने उसे अपने हाथों में पकड़ लिया था। जानते हो कौन है ये हबीब? वो है जिनको इमाम ने कहा था मिनल हुसैन अल-गरीब इला रजुलिल फकीह। फकीह कहते मुज्तहिद को, क्या कहने सुभान अल्लाह, कहते हैं मर्जा को। पूरी कायनात इमामत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी भी शख्स को इमाम ने खत लिख के करबला नहीं बुलाया है। वाह वाह वाह। और आज भी जो लोग कहते हैं जब मौला बुलाएंगे तब जाएंगे, जब मौला बुलाएंगे तब जाएंगे, आप जान लीजिए मौला ने सिर्फ एक बार बुलाया, वो फकीह को बुलाया है। क्या कहने सुभान अल्लाह, मुज्तहिद को बुलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुज्तहिद बन जाओ, इमाम का खत तुम्हारे लिए तैयार है। सुभान अल्लाह। मिनल हुसैन अल-गरीब इला रजुल फकीह, हुसैन अल-गरीब की जानिब से रजुल फकीह और मुज्तहिद और वक्त के मर्जा के लिए। लोग ये कहते हैं कि मर्जा का वजूद इमाम के जमाने में पाया नहीं जाता था।
लोग ये कहते हैं कि मुश्तहिद का वजूद, फकीह का वजूद करबला के क्या, बल्कि इमामत के वजूद में पाया नहीं जाता, या तो उन्होंने करबला पढ़ी नहीं या करबला से मिटा देना चाहते। अगर हदीस जिंदा है तो फकीह जिंदा है, फकाह जिंदा है, मिन अल हुसैन अल करीम इला रजुल अल फकीह, हुसैन परदेसी की जानिब से फकीह हबीब इब्ने मजाहिब के नाम। और मुझे नहीं मालूम इधर से और इधर से सामने वाले कितने लोगों ने करबला की ज़ियारत की है, जिन्होंने की है मेरे अल्लाह शब आशूर का वास्ता उन्हें बार बार ज़ियारत करा ला आमीन। और मेरे अल्लाह जो अब तक नहीं जा सके, असबाब मुहैया नहीं हो सके, हालात साजगार नहीं हो सके, मेरे अल्लाह उनके राह की तमाम रुकावटों को दूर कर दे, शब आशूर का वास्ता वो सब इसी साल करबला जाए ला आमीन। मेरे अल्लाह उन सबको ज़ाहिर हुसैन बना दे करबला। और जरिए इमाम हुसैन सलाम का लोकेशन पोजीशन ये है कि जैसे आप इन होंगे शबिस्तान हुसैनी के बाद, जैसे आप इंटर करेंगे सबसे पहले जिसकी ज़ियारत होती है वो हबीब इब्ने मजाहिर है। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले हबीब इब्ने मजाहिर के जिन्होंने करबला की ज़ियारत, अभी भी जाकर के नेट पे सर्च करके देख लेना जो मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जैसे आप इन होंगे उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर जैसे आप जाएंगे, दर से आप जैसे आएंगे, सबसे पहले पी एस एम एल फॉर एग्जाम्पल पिलर है, सबसे पहले यहाँ भी इतने मजाहिर है, फिर आप चल के आइएगा, फिर यहाँ पर कंजेशन इधर है और इस कॉर्नर पर यहाँ जाकर मुझे सलाम का मजा है, सरिये पाक ये है। अच्छा सच बताएं आप, जब आप वहाँ से इन हुए तो सबसे पहले ये पिलर मिलेगा या ये, और आप जब आउट होने लगेंगे यहाँ से बाहर जाने लगेंगे तो सबसे पहले और सबसे लास्ट पे ये पिलर मिलेगा या ये, सबसे पहले इन हुए तो वो मिला, जब सबसे आखिर में जाने लगे तो वो मिला। क्या कहने, सुभान अल्लाह गए कहा हुसैन के पास, किस लिए, ज़ियारत के लिए, शहंशाह ताजदार करबला के पास, जैसे गेट से इन हुए ये मिला, जाने लगे ये मिले, सबसे पहले घुसे तो मुश्तहिद मिला। क्या कहने, हबीब से रुख, जब हुसैन से रुख्सत होकर जाने लगे तो फिर हबीब मिला। इमाम एक बार मिलता, मुश्तहिद दो बार मिलता है। जब इलाके में कहर पड़ जाता, फसल नहीं होती, बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं,
तो जो चोर होते हैं वो उस कहे तो मजबूरी के तहत अपना पेट भरने के लिए चोरियां करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, चोरियां होने लगती हैं तो अगर कोई इलाका, कोई करिया, कोई गांव जो है वो शहर से और कस्बे से जरा डीप में हो, ज्यादा दूर हो, जहां चौकी और थाना ना हो, पुलिस वहां नहीं आ सकती है, रात में अगर आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते तो आप क्या करते हैं? दौड़क पहरा, पहरा पहरा लगाते हैं ना जी, और ड्यूटी लगा दिया कि 5 लोग 10 लोग 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक 12 बजे तक तुम लोग रहोगे, 12 से लेकर के 3 तक तुम लोग रहोगे, 3 से लेकर सुबह होने तक की टीम रहेगी, 5-5, 8-8 लोगों जवानों की टोलियां होती है और उनका काम ही होता है कि गांव के इस कोने से शुरू करते हैं उस कोने तक, उस कोने से शुरू करते हैं इस कोने तक, और एक नारा लगाते हैं पहरा देते हो क्या सोने वाले जागते रहो। मैं ले आया हमारी सूर्य जाने नहीं दूंगा, पूरी रात पढ़ूंगा जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या नारा लगाते हैं जवान, क्या नारा लगाते हैं पहरे वाले, क्या सोने वाले जागते रहो, सोने वाले जागते रहो, सोने वाले जागते रहो। न जाने क्यों ये शोर इस नारे में, इस पहरे में इतनी जान होती है कि बस्ती वाले सुकून से सोते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बस्ती वाले सुकून से सोते हैं, वो जानते हैं कि पहरेदार हमारा मुहाफिज है। क्या कहने, लेकिन वही जहाँ ये आवाज बस्ती से दूर जरा कोने कतरे में जाते हैं, जो छुपे बैठे हैं उनको बहुत टेंशन होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कहने ये नारा लगाने वाले सो जाते तो हम जाकर के चोरी कर लेते। अब आपने जाना ये लब्बे क्या हुसैन लब्बे क्या मेहंदी नारे हंदी लगाने वालों की तकलीफ दिन चोरों को होती है। मौला के 1000 सिपाही मौला कायनात के चुने
बड़ा कहना है दरिया ने जो की उस जगह की सिफिन सिफिन इसलिए कहते हैं उस जगह का नाम सिफिन मान उसको सफाई भी कहते हैं। ये उस जगह पर हुई जैसे बदल हुई है तो जिस जगह पर हुई ज्यादा उस जल का नाम बदल रख दिया गया। बहुत एक पहाड़ी के पास जल को ज्यादा जल का नाम जगह रख दिया गया तो जगह का नाम सिफिन था। ये कूफे के सॉरी शाम और कर्बला शाम और इराक के दरमियान जो जगह थी उधर से शाम भी फौज आई जैसे इराक का नाम भी फौज हो गई इसको पढ़ेगी कभी। और तो ये जंग हो रही थी और जंग होते होते आपस में फाइटिंग हो रही थी होते होते ऐसा हुआ कि अली अलैहिस्सलाम मौला के 1000 के सिपाही 1000 सिपाही दुश्मन के 10000 के घेरे में आ गए। अब और जवानों के लिए सॉरी सॉरी तुम लोग मूवी कहाँ देखते हो तुम लोग नेक लोग शरीफ लोग अच्छी बात है। तो मूवी भी योजन का ये होता है कि जब भी कहीं अटेंड करना होता है तो 50 या 100 या 200 जो टुकड़ी होती है बटालियन होती है वो स्प्रेड अटैक नहीं करती है उसको राउंड अप किया जाता है खासतौर से अगर बात होनी जंग होती है वो उसको राउंड अप करते करते उसको धीरे 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 उस घेरे को तंग करते रहते हैं कम 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 आई मीन मतलब 100 मीटर से अगर उसको शुरू किया है उसको धीरे 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 इतना करीब कर देते हैं वो जाके 10 मीटर या जितने लोग उसे सक्रिय होते हैं ताकि हिल न सके वहाँ से या तस्लीम हो जाओ तो खत्म कर दिए जाए। अब 1000 लोगों को 10000 लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया 1000 लोगों को 10000 लोगों ने घेर लिया और ये खबर जब मौलाए कायनात के कानों तक पहुंची जाता आपके 1000 सिपाही शाम के 10000 के बीच घिर गए तो मौला ने कहा कौन है जो अपनी दुनिया बेच दे आखिरत खरीद ले कौन है जो अपनी दुनिया बेच करके आखिरत खरीद ले। तारीख ने लिखा कि नासिर नाम का एक सिपाही जो बिल्कुल असलहे में गर्क था अगर देखा होगा उसमें तो पूरा बोझ जरा सब होता सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी और पूरे असलहे में गर्क होकर उसने कहा लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन हुजूर फरमाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लब्बैक लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन आप हुजूर फरमाए कहा कि जाओ उन लोगों को हमारा सलाम कहना क्या कहने जाओ जाओ उन लोगों को मेरा सलाम कहना और कहना तुम नारे तकबीर बुलंद करके घेरे को तोड़ने की कोशिश करो मैं अभी तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जाओ जाओ मेरा सलाम कहना और सलाम कहके उसे कहना तुम नारे तकबीर को बुलंद करके नारे तकबीर बुलंद करके घेरे को तोड़ने की कोशिश करो मैं अभी तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जवानों ये बताओ जब उन्होंने कहा कि जाओ तो मेरा सलाम कहना तो साइकोलॉजी तो नफ्सियाती लिहाज से क्या होना चाहिए था उसे पलट करके अपने आका से कहना चाहिए मौला जिस घेरे में 10000 लोगों ने घेर रखा है तो उन तक सलाम पहुंचाऊंगा कैसे तो ये होना चाहिए था ना कि पलट के कहता मौला ठीक है तो उसर आंखों पर लेकिन 10000 लोगों ने जिसे घेर रखा है मैं तनहा उसे पहुंचाऊंगा कैसे पहुंचने से पहले तुम्हारा काम तमाम कर देंगे ये होना चाहिए था ना लेकिन आवाज नहीं हो सकता इसलिए कि मुझे मौत आ नहीं सकती अली का सलाम है मेरे कानों पर जमाना से मिलाने की बात करते हैं कहने मैं तुम्हें कहना चाहता हूं ये सुनो जब अगर एक के कांधे पर एक इमाम के सिर्फ एक सलाम आ जाए तो उसे मौत नहीं आ सकती जिस आत्मा के लाल पर पूरी शरीयत हो जिसके कांधे पर पूरी शरीयत मोहम्मदी हो जब तक पहुंचा नहीं देगा मौत कैसे आ जाएगी क्या कहने सुभान अल्लाह। और तारीख ने लिखा कि ये घोड़े को महमेस करता हुआ पहुंचा और एक बुलंदी पे जाने के बाद कहा अय्युहल इख्वान ए भाइयों सुनो अली ने तुम्हें सलाम कहा है और कहा नारे तकबीर बुलंद करो तोड़ो मैं अली आ रहा हूं नारे तकबीर बुलंद करो मैं अली आ रहा हूं मैं मुसलमान और बड़े भाइयों से जुमला कहना चाहता हूं अली ने क्या कहा था उनसे कहो नारे तकबीर बुलंद करें तोड़ने की कोशिश करें मैं आ रहा हूं अगर सिर्फ नारे
जान होती, क्या कहने अगर सिर्फ नारे तकदीर में जान होती तो कहते कि कहो नारे को तोड़ तो जानते थे ये सिर्फ नारा ही नारा है, अगर कोई घेरा तोड़ेगा तो नारे हैदरी का। नारे हैदरी, हैदरी विष्णु दिए इमाम जमाना बुलंद तर इसलिए कि अगर अल्लाह पे आपसे भरोसा करके बैठ गए तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर इनको ये पता चल गया कि अली आ रहे हैं, इन्हें पता चल गया कि अली आ रहे हैं तो इन्हें कुछ हो या ना हो, जिन्होंने घेरा डाल लगा तारीफ में लिखा है कि सिर्फ चंद मिनट्स नहीं पीते थे कि 700 शामी मारे गए। क्या कहने, सुभान अल्लाह 700 शामी मारे गए और शिक्षक इस सलाम को पहुंचाने के बाद पूरे बात उठाया दायरा खुला और भागने पे मजबूर हो गए जिसके नाम में इतनी जान हो, जिसके नाम में इतनी हैबत हो, उसके नाम से दसियों हजार का घेरा टूट जाता है, दायरे को खोल दिया जाता है, दुश्मन अपने मुकीन को छोड़कर पीछे हट जाता। ए मेरे दोस्तों, इधर वाले तो सो रहे हैं, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, ए जवानों, ए भाइयों, ए दोस्तों, अगर अली का नाम, अली का नाम, अली इसलिए कह रहा था कि जागो तुम लोग, अगर अली का नाम, अली का नाम, अली का नाम लेने से अगर दायरा टूट सकता तो याद रखो तुम्हारे गिर बहुत सारे दायरे हैं। क्या कहने बहुत सारे घेरे तुम्हारे खिलाफ दुश्मनों ने डाल रखे हैं, उस घेरे को तोड़ दो नारे है दरी के जरिए से, सुभान अल्लाह, क्या हुसैन के जरिए से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय दरी, हाय दरी, हाय जवानों के लिए अगर घेरा डाला जा रहा है जो दोस्तों लब्बैक या महदी कहो उन बातों को सुमान को तोड़ो, क्या कहने, सुभान अल्लाह, लब्बैक या हुसैन कहो उन बातों को खुराफात के रस्मों को तोड़ दो, ये जहन में रहे कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमें हुसैन को जिंदा रखो, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो करबला से जुड़े रहो। अच्छा एक बात आ जाए, जैसे ही तुम्हारे पर चांद मुदार हुआ है, चांद रात से लेकर के अब तक कल तक नौ फीसदी और फीसदी परसेंटेज के लिहाज से आम दूसरों को कौन सा प्रभाव मिल रहे हैं, कोई आपको जाने या ना जाने, आपकी बस्ती का नाम जाने या ना जाने, आपका नाम जाने या ना जाने, आपका खानदान जाने या ना जाने, लेकिन आपकी टी शर्ट, आपके जूते, आपकी शर्ट के फ्लेक होने से जान जाएगा, आप क्या बोलिए कि आप सब अंदाज से आपके लिबास से पहचान जाएगा ये हुसैनी है, और 13 या 14 मुहर्रम के बाद फिर आप कुछ भी पहने, कैसे भी पहने, वो आपको कुछ जाने, लेकिन आपके लिबास से हुसैनी नहीं जाने, आपके लिबास के जरिए से हुसैनी नहीं जाने का मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। पहली मुहर्रम से लेकर के 12 मुहर्रम तक तो हुसैनी का सयाह लिबास पहन के आपने उतार दिया है, जब लिबास बदल जाते हैं तो अकीदा बदल जाता नहीं, हुसैनियत लिबास से नहीं पहचानी जाती, किरदार से पहचानी जाती है। जैसे भी हो उनका पर्दा बताएंगे,
پر محمد والے محمد ہنستے ہیں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ آخری آپ یہ محرم نہ محرم کی بات ہو رہی جب زندہ تھی تو کبھی محرم کا خیال نہیں رکھا کبھی نہ محرم کا خیال نہیں رکھا مرنے کے بعد سارے احتیاط ہو گئی کیا کہنے تو اگر یہ چاہتے ہو کہ جو فرشتے تم پہ نہ ہنسے صحرا تمہیں دعا دیں سنم پر اس کو رونے کا کوئی حق نہیں ہے جس کے سر پہ کبھی چادر نہ رہی ہو اللہ مجھے معاف فرمائیے گا فاطمہ کے مرثیے پر گریا کرنے کا اس عورت کو کوئی حق نہیں ہے جس نے کبھی حجاب نہ کیا ہو اور ایک جملہ کہوں تم غیرتدار مردوں کے لیے عورت سے پہلے لائق ملامت کے وہ مرد جس کی گھر کی عورتیں بھی پتہ ہیں میری بہن ہو میری بیٹی ہو میری بہو ہو میں مجھ میں غیرت نہیں ہے اگر مجھ میں حیا اور غیرت ہوتی تو میں کبھی بھی اپنے ناموس کو بے پردہ جانے نہیں دیتا میں مستی کی بات نہیں میں دنیا کی بات میں باہر کی بات کر رہا ہوں کہ آج شہروں میں جو کیفیت ہو گئی ہے انہیں شرم آتی ہے کہ پردہ کرے انہیں بیکورڈ مانا جاتا ہے شہروں میں تو حجاب اور اسکارف کے ساتھ ہوتی ہے اچھا آپ بتائیے آپ جوانوں میں اگر گاڑی رکھ لیتے ہیں تو سوری آفس میں پرمٹ نہیں ہوتا پرمیشن نہیں ہوتا نوکری نہیں ملتی کوئی نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا مجبور ہے حکومت اس لیے کہ انہوں نے اپنی پہچان نہیں کھوئی ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کہیں جاتے ہیں ہزاروں کے بیچ میں اس سے پہچان لیا کہ سردار جا رہا ہے ایک قوم مٹھی بھر لوگ ہیں پگڑی سے پہچانے جاتے ہیں کائنات جس کے صدقے میں خلق ہوئی ہو وہ حسینی کیوں نہیں پہچانے جاتے ہیں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے اشارے میں سورج دوڑا چلا ہے اور جان دو ٹکڑے ہو وہ کائنات جس کے قبضے میں حسینی کیوں نہیں پہچانے جاتے ہاں جو اپنی پوزیشن زندہ رکھتے ہیں انہیں لوگ سر کہیں گے بلاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اپنا کریکٹر اپنا کردار اپنی پرسنالٹی کو مضبوط کریں ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کمال پہ کبھی کوئی اٹھ کر کے اسے ڈھانپ دے آپ ڈپریشن میں شکار ہوتے ہیں آپ شاید فیل کرتے ہیں کیا ڈاڑی نکلیں گے تو لوگ کمنٹ کریں گے لوگ بیکورڈ سمجھیں گے لوگ انایجوکیٹڈ ہمیں کہیں گے لوگ ہمیں دیہاتی کہیں گے ڈاڑی رکھ کر کے دیکھو میں بہت ساری باتیں ممبر سے نہیں کر سکتا ہوں ڈاڑی رکھ کر کے دیکھو دنیا تمہارے میں بھی رکھتا ہوں وہ مسا ٹکڑا لینے مجبور ہے سیلفی لینا چاہتے ہیں میں لکھ نہیں دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ پہنچا دو داڑھی پل ہے کھائی نہیں ہے مردانگی کی علامت سے پہچان ہے اسی طرح سے حجاب آج تک آپ کوئی ہمیں بتا دے دنیا کے قیمتی سے قیمتی ڈائمنڈ کو کبھی آپ نے شوروم کے باہر کہیں پڑا دیکھا ہے نہیں اور اگر پڑا رہے تو پتھر ہے ڈائمنڈ نہیں ہے اگر پڑا ہے تو پتھر ہے ڈائمنڈ نہیں ہے تو اگر قیمتی تری ہیرا ہمارے گھر خاندان کی اگر ایک بہو ہے بیٹی ہے ماں ہے کوئی ہے اگر وہ قیمتی تری ہیرا ہے تو اسے صدف میں رہنا چاہیے روڈ پہ نہیں رہنا چاہیے کیا کہنے والا اگر وہ قیمتی ہیرا ہے وہ روڈ روز نہیں ہے اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے کربلا ہمیں یہی سکھاتی ہے میں نے پڑھا مجھے نہیں معلوم اس کی بات کہاں پر صحیح ہے کہاں پر غلط لیکن بات صحیح ہے ہو سکتا ہے جس کے نام سے مصروف وہ حوالہ غلط ہو گرو نانک سے اسے کسی نے کہا کہ آپ تو مسلم بھی نہیں ہیں تو آپ کے ذمہ حسین کی بات کیوں کرتے ہیں گرو نانک کیوں آپ حسین کی بات کرتے ہو آپ کو اس کے اپریشیٹ کرتے ہو کیوں اتنا احترام کرتے ہیں گرو نانک نے اس پوچھنے والے شاگرد سے کہا کہ گھر جاؤ اپنی بہن سے شادی کرو کیا کہنے
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, जमीर इजाजत नहीं देता। गुरु नानक ने कहा उसी जमीर का नाम हुसैन है। पहली मुहर्रम से लेकर के दो मुहर्रम तक मौलाना मैंने तो पढ़ाई नहीं आना समझ में आया नहीं सका नहीं किया। आप आपकी तकदीरें दिल में घर पर जाने वाली तकदीरें जो आपके तो जो चंद मसलों में मैं आपके सामने आया सच बताए नौ मुहर्रम से पहली मुहर्रम से लेकर नौ मुहर्रम तक आपने क्या हासिल किया। अगर आप अपनी जिंदगी के घंटों को काउंट करें तो कितने घंटे आपने मनुष्यों में दिए ईमानदारी में दिए उस सारे घंटों को एक एक पर्सन को अगर आप करें और एक आदमी ने 40 घंटे 50 घंटे 60-70-80 घंटे कितने में दिए और आदमी काउंट करें उसको डिवाइड करें और बना के पूरी बस्ती बना कितने घंटे हो जा रहे हैं जिंदगी के इतने फिंग के तरीके घंटे अगर हुसैन मजादारी हुसैन के लिए क्या पाया जो आले मोहम्मद के सलाम के बगैर
क्या कहने क्या مسجدوں میں جاؤ اٹھو تو دستور اور جمن سے شریف ہو انجمن اور دستوں کو آباد کرنے کے بعد وضو کرو مسجد چلے جاؤ اس لیے کہ مسجد اور حسین کا بڑا گہرا رابطہ ہے سجدے سے سر اٹھاؤ حسین کو سلام کرو حسین کو سلام کرو سر سجدے میں رکھو اسی لیے کہ عبادت حسین کو پسند میں انعام نے کہا ہے ان نیوں میں مسرات کیا کہنے سبحان اللہ کیا تم سما
इमाम जब पूरे मनाज़िर को बता करके वापस आते हैं और इमाम खैमे में जाते हैं तो हिलाल इब्ने नाफे कहते हैं कि इमाम जब खैमे में गए, खैमे के बाहर बैठा था तो ज़ैनब कुबरा ने एक रवायत का जुमला, ज़ैनब कुबरा ने अपने भाई से कहा कि भैया हदीस का मतलब मिन असहाबे का बेनियत है, ए भैया क्या तुमने अपने साथियों को आसमान दिया है कहीं साथ छोड़ के चले ना जाए, ए भैया ए सबे आशूर, सबे आशूर के मसाइल है भैया, ए भैया तुमने अपने साथियों को आसमान दिया है कहीं साथ छोड़ के चले ना जाए, ये जुमला जैसे हिलाल ने सुना दौड़े हुए हबीब के पास गए, अरे हबीब कयामत हो गई, क्या हुआ तालीम की बेटी को हमारी बाजी में नहीं आए, अली की बेटी को हमारी वफादारी पर यकीन नहीं है, एक बार हबीब ने कहा अय्युहन नास अय्युहल अखवान, ए भाइयों ए दोस्तों सारे लोग खैमे से निकल आए, तारीख ने लिखा बनी हाशिम के सारे जवान खैमे से शबे आशूर आज की रात निकल आए, हबीब ने बनी हाशिम के सामने हाथों को जोड़ लिया, आप लोग खैमे में जाइए, आप लोग खैमे में जाइए और अपने साथियों को मुखातब करके कहा है मेरे भाइयों अली की बेटी को हमारी वफादारी पर यकीन नहीं है, अली की बेटी को हमारी वफादारी में यकीन नहीं हबीब आए, सारे असहाब आए तलवारों को निकाल के कहा अली की बेटी में हमारा सलाम है बीबी, अगर आपको हमारी महाजरी पर अगर हम आपको हमारी वफादारी पर यकीन नहीं है तो इन तलवारों से अपनी गर्दनें काट देने के लिए तैयार, इन तलवारों से अपनी गर्दनें काट लेने के लिए तैयार है, ये मेरे शुक्रिया अदा करने के बाद का हबीब भी सुनो, तो अपने साथियों से भी कह दो जब तक जिंदा रहे रसूलों के निवासी और अली की बेटियों की हिफाजत करें, इससे ज्यादा आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, ज़हरा को आप जवाब दीजिएगा, हुसैन को आप जवाब दीजिएगा, मैं नहीं जानता हूं मैं शर्म के इमाम का जवाब दूं ना, मैं पढ़ रहा था मैं सुनना नहीं चाहते थे, हुसैन के मसाइल सुनना नहीं चाहते थे, और अगर सुनना चाहे तो आज शब्द आशूर नहीं है कि आज की रात जनाब सकीना रावी है कि मुझे इतनी प्यास लगी थी, जनाब सकीना कहती मुझे इतनी प्यास लगी थी कि मेरे होश सूख गए थे, हालत में कांटे पड़ गए थे, मैंने सोचा हो ना हो ज़ैनब कुबरा ने कोई पानी हमारे लिए बचा के रखा हो, उसके बाद मैं गई कुबी के खेमे में, अब तो मंजर अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो बर्दाश्त करें, जनाब सकीना कहती है कि मैं कुबी के खेमे में गई तो मैंने क्या देखा कि कुबी अम्मा अपनी आगोश में मेरे भैया की असर को लिए बैठी हुई है, अब देखा मां करीब आई
तारीफ में लिखा है कि रेत इतनी गर्म थी, रेत इतनी गर्म थी कि रबाब रेत को उठाती थी जल्दी से कब्र पे डाल, रेत को उठाती थी जल्दी से कब्र पे डाल देती थी। इमाम ने इस नन्हे से अली को पसे चुना, नन्हे से अली को लहर के सिपुर किया, उसके बाद दामन को झाड़ के खड़े हो, दामन को झाड़ के खड़े हो गए। ये पानी के कतरा आपके मुंडों के कब्रों में बारिश हो रही, अल्लाह न करे आपके वहां कोई मैयत हो जाए। जब मुर्दे को दफनाया जाता है तो पानी का छिड़काव किया जाता है, हर एक सरदार को एक सारी नाम में दिया जा रहा था, एक सरदार को सरदार मिला, कहा क्या किया जाए, कहा हुसैन